नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आप लोगों की आज पुनः से क्लास स्टार्ट हो रही है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए आपकी क्लास डेली नहीं हो पाती थी, तो आज से आपका रेगुलर क्लास होगा। हम लोग बात कर रहे हैं मॉडल पेपर 3। आज हमारा ये मॉडल पेपर 3 है, टीजीटी पीजीटी 8। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उसी क्रम में आज हमारा ये तीसरा मॉडल पेपर है, जो कि लगभग 200 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो उनको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। प्रश्नों की संख्या टोटल 125 है, तो इसलिए ना बहुत जल्दी और ना बहुत लेट, जो कि बहुत ज़्यादा समय तक हम लोग इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत प्रश्नों का अगर व्याख्या करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जो कि आपका भी बीपीएससी का पेपर होने वाला है 3.2.0 का, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पेपर में आज का हमारा पहला प्रश्न, वर्ष 1955 में एनएस बिंद्रे को उनके किस चित्र के लिए ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। किसकी बात हो रही है? तो ये हो रही है एनएस बिंद्रे, कब? 1955 में। कौन सा इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो आप लोग भी उत्तर देने का प्रयास करिएगा, जो कि एनएस बिंद्रे पर मैंने एक पूरे वीडियो ही बनाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा जाके एनएस बिंद्रे पे। तो 1955 में उनके द्वारा जो चित्रण को ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, कांटा या थार। क्या है? कांटा या थार, एनएस बिंद्रे को, श्री नारायण धर बिंद्रे इनका पूरा नाम है, नारायण श्रीधर बिंद्रे। थोड़ा सा इनके चित्रों के विषय में बात करते हैं, जो कि ये भारत में प्रथम प्रभाववादी तथा घनवादी शैली को अपनाकर अपनी रचनाओं को इन्होंने जीवंतता प्रदान की थी। उसके बाद मित्रों, ये भारत में नव प्रभाववाद में प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार थे। इनकी प्रमुख अगर हम बात करें चित्रों में, तो जैसे सूर्यमुखी का फूल भी इन्हीं का है, सूर्यमुखी का फूल, श्रृंगार, कंधे पर बच्चा, लकड़ी का गट्ठर उठाते हुए फूल बेचने वाले, लकड़ी काटने वाली युवती, ज्येष्ठ की दोपहर, तोता और चमेलियन, ये सब किसके? नारायण श्रीधर बिंद्रे का चित्रण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक प्रसिद्ध शिल्पकार है? निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक प्रसिद्ध शिल्पकार है? तो ये है मित्रों ऑप्शन नंबर ए, अनीस कपूर। अनीस कपूर जो कि भारतीय मूल की यह ब्रितानी कलाकार है, मूर्तिकार है। अनीस कपूर की जो प्रसिद्धि सबसे प्रसिद्ध कृति है वह है क्लाउड गेट। तो क्लाउड गोर्ज की गेट शिकागो के मिलेनियम पार्क में सुरक्षित है। अनीस कपूर को मित्रों 2012 में, कब? 2012 में भारत सरकार के पद्म भूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें नाइट हुड की उपाधि दी थी, जिसे इन्हीं को। अनीश कपूर को रेट्रोस्पेक्टिव शो में पहली बार 25 अक्टूबर 2019 से 1 जनवरी 2020 तक आयोजित किया गया CAF आर्ट म्यूजियम बीजिंग, जो कि चीन में। आर्सेलर मित्तल आर्बिट स्टोर फॉर लंदन में स्थित 114.5 मीटर ऊंची मूर्ति और प्रेसच टावर को अनीश कपूर और सेंसिल बालमोड ने डिजाइन किया था। इनकी प्रसिद्ध जो मूर्ति है मित्रों क्लाउड गेट, उसका माध्यम है स्टेनलेस स्टील। और कौन कौन सी मूर्ति है? तो जैसे एट द हब ऑफ द थिंग्स, और 115 मीटर लंबा आर्बिट की मूर्ति जो कि अनीश कपूर ने बनाया, ब्रिटेन की सबसे बड़ी मूर्ति है ये। इसे 2012 ओलंपिक खेलों के लिए इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1910 ईस्वी में लेडी हरिंगम के साथ जुड़कर अजंता भित्ति चित्रों की प्रतिकृति करने का अवसर मिला। लेडी हरिंगम के साथ जुड़कर अजंता भित्ति चित्रों की प्रतिकृति करने का अवसर मिला। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, अशित कुमार हल्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्त प्रसाद का जन्म 1915 में कहाँ हुआ था? तो चित्त प्रसाद का जन्म 1915 में कहाँ हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय पुस्तक चित्रों का निर्माण अधिक हुआ? पुस्तक चित्रों का निर्माण अधिक हुआ तो यह है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित नीलामी घर है, भारत में स्थित नीलामी घर है, तो भारत में स्थित नीलामी घर जो है ऑप्शन नंबर ए, शेफरान और ओसियान, तो ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिवेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, पिकासो की। किसकी? पिकासो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज के आकार को
किस नाम से जाना जाता है? कागज के आकार को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था? गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, साहब जहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही नाम के दो चित्रकार जो मुगल तथा राजस्थानी शैली के थे, एक ही नाम के दो चित्रकार जो मुगल तथा राजस्थानी शैली के थे। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मनोहर। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपोकलिप्स नामक बुद्ध श्रृंखला किसकी है? एपोक्लिप्स नामक बुद्ध श्रृंखला किसकी है? एपोक्लिप्स नामक बुद्ध श्रृंखला किसकी है? तो यह ऑप्शन नंबर ए, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है? पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, गीत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित कितनी गुफा मंदिर है? एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित, तिलोरा मित्रों औरंगाबाद के महाराष्ट्र में स्थित है। टोटल यहाँ 34 गुफाएं हैं। 34 गुफाओं में एक से लेके 12 तक, कब एक से लेके 12 तक बौद्ध धर्म से, 13 से 29 तक टोटल 17 गुफा जो कि हिंदू धर्म से, 30 से 34 टोटल 5 गुफा जो कि जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ चित्रों की शैली किस शैली के निकट है? बाघ चित्रों की शैली, तो बाघ मित्रों कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में, किस जिले में? धार। और नदी बागो, नदी तो आपका बघिनी, बघिनी नदी के किनारे, जो कि बघिनी एक नर्मदा की सहायक नदी है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ गुफा स्थित है, तो अभी हमने बताया था आपको कि धार मध्य प्रदेश, क्या है? धार मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की किस गुहा मंदिर को छोटा कैलाश कहा जाता है? एलोरा की किस गुहा मंदिर को छोटा कैलाश कहा जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर ए, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा का महत्व किस कारण है? एलिफेंटा जो कि मित्रों महाराष्ट्र में स्थित है, यह समुद्र से तीनों तरफ घिरा हुआ है। इसका महत्व किस कारण से है?
जो कि ऑप्शन नंबर सी, त्रिमूर्ति जो कि महेश की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमढ़ी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? पंचमढ़ी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जी आर हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती स्तूप किस पत्थर से निर्मित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरहुत के अवशेष कहाँ संग्रहित हैं? भरहुत के अवशेष कहाँ संग्रहित हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार धीमान तथा बीतपाल किस शैली के कलाकार थे? चित्रकार धीमान तथा बीतपाल किस शैली के कलाकार थे? तो धीमान और बीतपाल जो कि ऑप्शन नंबर बी, पाल शैली के जो कि यह चित्रकार थे, किस शैली के पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश शैली भारत में किस कालक्रम में से किस कालक्रम तक विकसित रही? अपभ्रंश शैली भारत में किस कालक्रम से किस कालक्रम तक विकसित रही? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैली को कछवाहा शैली के नाम से भी जाना जाता है? किस शैली को कछवाहा शैली के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कलाकार अलवर शैली में हाथी दांत की पट्टियों पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा कलाकार अलवर शैली में हाथी दांत की पट्टियों पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? तो हाथी दांत पर चित्रण के लिए ऑप्शन नंबर बी, डालू राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी शैली के चित्रों पर चमक लाने का साधन है? राजस्थानी शैली के चित्रों पर चमक लाने का साधन है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, अकीक पत्थर। क्या है? अकीक पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक केंद्र राजस्थानी शैली का नहीं है? राजस्थानी शैली का नहीं है? ये ऑप्शन नंबर डी, बसोहली। बसोहली जो कि एक पहाड़ी शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावंत सिंह ने रसिक रत्नावली की रचना किस सन में की?
रसिक रत्नावली की रचना किस सन में की? तो ये ऑप्शन नंबर बी 1727 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतीराम किस ठिकाने का दरबारी कवि था? मतीराम किस ठिकाने का दरबारी कवि था? तो ये ऑप्शन नंबर है बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिष रत्नाकर तथा राय सिंह महोत्सव ग्रंथ की रचना किसने की? ज्योतिष रत्नाकर तथा राय सिंह महोत्सव ग्रंथ की रचना किसने की? तो यह है ऑप्शन नंबर बी बीकानेर के महाराजा राय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंच बैक ऑफ द फिश बोन चित्र अवनींद्र नाथ टैगोर की किस चित्र श्रृंखला से है? हंच बैक ऑफ द फिश बोन चित्र अवनींद्र नाथ टैगोर की किस चित्र श्रृंखला से है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी अरेबियन नाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में वह चित्रकार जिसने बड़े बड़े सुंदर पट चित्रित किए, जहांगीर के दरबार का वह चित्रकार जिसने बड़े बड़े सुंदर पट चित्रित किए, तो यह है शाली वाहन। कौन है? शाली वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन चित्र विषयों को बूंदी शैली की विशेषता माना जाता है? किन चित्र विषयों को बूंदी शैली की विशिष्टता माना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पांडुलिपि कौन सी है? सबसे प्राचीन पांडुलिपि कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी दस्ताने अमीर हमजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार दसवंत किस जाति का था? दसवंत जो कि अकबर काल का भित्ति चित्रकार था, यह जो कि पागल होकर आत्महत्या कर लेता है, तो यह जो कि कहार जाति का था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदगी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बने? बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बने? तो ये ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही धर्म चलाने वाला मुगल शासक था? तो यह है ऑप्शन नंबर बी अकबर। कौन था? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बूढ़े शासक को ग्लोब पर
खड़ा दिखाया गया है। किस बूढ़े शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया है? ये ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी शैली का श्रेष्ठ संग्रह कहाँ है? दक्षिणी शैली का श्रेष्ठ संग्रह कहाँ है? तो यह हैदराबाद संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उस केंद्र की पहचान कीजिए जो दक्षिणी शैली की नहीं है, दक्षिणी शैली का नहीं है। यह है ऑप्शन नंबर डी, मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल शैली का एकमात्र चित्रकार कवि और चित्र संग्रहकर्ता था? गढ़वाल शैली का एकमात्र चित्रकार कवि और चित्र संग्रहकर्ता था। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, मोला राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा शैली के चित्र अधिकतर किस कागज पर बनाए गए हैं? कांगड़ा शैली के चित्र अधिकतर किस कागज पर बनाए गए हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, सियाल कोटी। क्या है? सियाल कोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग महल के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, रंग महल के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कलाकारों में कौन कांगड़ा से संबंधित नहीं है? कांगड़ा से संबंधित नहीं है। किससे? कांगड़ा। तो कांगड़ा शैली से संबंधित नहीं है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, मूल चंद। बात होती है कांगड़ा शैली की, तो कांगड़ा जो कि पहले मित्रों से नगरकोट के नाम से जाना जाता था, किसके नाम से? नगरकोट। और कांगड़ा शैली को संरक्षण जो कि महाराजा संसार चंद ने संरक्षण प्राप्त प्रदान किया। इन्हीं के शासनकाल में इसकी विकास कांगड़ा शैली का और उन्नति भी हुई। सब सर्वाधिक विकास जो कि फिर कांगड़ा चित्रकला के महान संरक्षक के रूप में भी संसार चंद्र को जाना जाता है। और इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम है पहाड़ी
शैली। और इसके चित्र शैली पर, कांगड़ा जो कि चित्र शैली पर प्रभाव पड़ा है, जो कि मुगल चित्रकला का प्रभाव है। इसका मुगल चित्रकला का प्रभाव पड़ा। और प्रमुख विषय तो यह रहा है नायिका भेद चित्र, और सर्वाधिक प्रिय विषय रहा है राधा कृष्ण। क्या रहा है? राधा कृष्ण। कांगड़ा शैली को मित्रों पहाड़ी शैली का जो कि सर्वश्रेष्ठ शैली भी माना जाता है, और पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र भी कांगड़ा रहा है। कांगड़ा लघु चित्रों की अगर बात की जाए विषय की, तो इसके प्रमुख विषय थे जैसे कृष्ण लीला, नायक नायिका, भागवत पुराण, अमीर हट, नल, दमयंती, ये सब इसके लघु चित्रों के विषय रहे हैं। वहीं बात की जाए इसके प्रमुख चित्रकार की या कलाकार की, तो खुशालू, फत्तू, परखू, मानकू, वसिया, ये सब जो कि प्रमुख चित्रकार रहे हैं। कांगड़ा शैली का जो कि विकसित रूप, गुलेर शैली का है। इसका गुलेर शैली का कांगड़ा शैली में मित्रों नायिका भेद से संबंधित तीन प्रकार के चित्रों का अंकन किया गया है। पहला स्वकीय, मतलब स्वयं की, जो कि नायिकाओं का इसमें तीन प्रकार से अंकन किया गया है नायिका भेद की। स्वकीय मतलब स्वयं की पत्नी, दूसरा परकीय दूसरे की पत्नी, और सामान्य तीसरा है सामान्य किसी की भी। अब हम बात करते हैं इसके चित्र की। चित्र पहला नंद, दूसरा यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए। यह 1785 से 90 के बीच में बनाया गया, जो कि टेम्परा माध्यम में बनाया चित्र है। और यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, संग्रह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा संसार चंद किस शैली का पोषण किया? तो अभी हमने बताया जो कि कांगड़ा शैली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? तो मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, राजा केशव सेन का रूप चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपमती का महल कहाँ स्थित है? रूपमती का महल, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, मालवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केजी सुब्रमण्यम ने फेयरी टेल्स ऑफ पुरुपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया है? केजी सुब्रमण्यम ने फेयरी टेल्स ऑफ पुरुपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया? तो ये ऑप्शन नंबर सी, एक्रेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी कला की इतिहास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त केंद्र है? तो अभी हमने बताया जो कि यह है कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदास उपन्यास की रचनाकार है? देवदास उपन्यास कार की रचनाकार है, तो यह ऑप्शन नंबर बी, शरद चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत की राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर की दरगाह में जहांगीर का खैरात बांटना जो कि संग्रह छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई किस पर आधारित है? अजमेर की दरगाह में जहांगीर का खैरात बांटना, ये ऑप्शन नंबर बी, तुजू के जहांगीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ये ऑप्शन नंबर बी, मेगास थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु का अंकुर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णु का अंकुर वाट मंदिर, तो ये ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, सिंध पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरप्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो यह है साम वेद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतों में काम करने वाले किसान बढ़ई, दर्जी, मोची योद्धा, गायिका, ढोल बजाने वाले लोग आदि किसके चित्रों के विषय थे? खेतों में काम करने वाले किसान बढ़ई, दर्जी, मोची, योद्धा, गायिकाएं, ढोल बजाने वाले लोग आदि किसके चित्रों के विषय थे? ये ऑप्शन नंबर बी, नंदलाल बोस। आज का अंतिम प्रश्न, पुजारी की प्रतिमा नेशनल म्यूजियम कराची पाकिस्तान काल का है? पुजारी की प्रतिमा, कल हम बात करेंगे मित्रों क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर 125 तक। इस प्रश्न का जो कि सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाली अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।